करते हैं हम बात सुन, आज मेरी बात सुनो सारे, मैं भी आपको अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ जो किस बारे में है। आज से 4 महीने पहले, सबसे पहले थैंक यू सर, आज से 4 महीने पहले जब मैंने ये क्लास ज्वाइन करी थी, तो मैं इस क्लास को और आज जहाँ मैं आज 4 महीने बाद जहाँ पे मैं हूँ, तो इस 4 महीने के डिफरेंस को ना मैं सिर्फ कुछ मिनटों में अपना एक्सप्लेन करूँगा और मैं कहाँ से कहाँ आया इस बारे में बात करते हैं। जब मैंने यहाँ ज्वाइन करा था तो मैं एक बात कहूँगा, मेरी सबसे लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी मेरी जब मैंने ज्वाइन करा, क्योंकि ये समझ लो गॉड गिफ्टेड है एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैंने ज्वाइन करा। तो जब मैं पहले करता था, कुछ भी काम करता था, तो मेरे को ना लगता था कि नहीं, इसमें कुछ मेरे को मिल नहीं रहा। तो जब मैंने यहाँ ज्वाइन करा, मैंने स्टार्ट करी पढ़ाई करना स्टार्ट करा, और सर हमारी इतनी हेल्प करते हैं कि यहाँ पर हम आज कहीं पे कुछ कहीं जाके बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कितनी नॉलेज है। तो जब मैं स्टार्टिंग में था तो हमारा जो क्लास का शेड्यूल है वो ऐसे है, हमारा क्लास होती है, पहले लेक्चर होता है जो सर पढ़ाते हैं, देन उसके बाद प्रेजेंटेशन, देन लंच, देन प्रेजेंटेशन, देन टेस्ट, देन प्रेजेंटेशन। ओके, तो ये जो सिस्टम है ना, वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम लगता है मेरे को तो, क्योंकि इसमें हमारी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, हमारी नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज, हमारे स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड हमारे जो कम्युनिकेटिंग बैरियर्स होते हैं वो सब हट जाते हैं, और हमें मोटिवेशन मिलती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और बहुत कुछ। सिर्फ ये जो कुछ चीज़ें हैं इसमें, जो सिस्टम है ये वाला, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत हेल्प करती हैं हमारे अंदर वो चीज़ें डेवलप करने की, जो हमारे ना फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक कोई बिल्ट नहीं कर पाया, वो मैं आज कह सकता हूँ मेरे अंदर है। वो सब चीज़ें हैं, 12-15 जो भी हैं वो बहुत सही चीज़ें हैं। और बाकी रही बात सब्जेक्ट नॉलेज की, हमें कुछ नॉलेज नहीं थी पढ़ने वढ़ने की, हम 12th तक भी सही से पढ़े नहीं, मार्क्स आगे नहीं आए, ठीक है कोई बात नहीं, पास हो गए, हमें पहले था मतलब पास होने से। पर जो अब यहाँ पे हमें मिल रहा है, मिल गया, अब तो 4 महीने हो गए, अब ख़त्म हो गया, तो आज आखिरी डे था हमारा, और थोड़ा मुश्किल भी है कि कैसे, मतलब इतने पहले रेगुलर रूटीन बना हुआ था जो हमारा, वो चीज़ हमारा ख़राब हो जाता है कि लाइक हम पहले अब रोज रेगुलर पढ़ते थे, हमें ना इस 4 महीने में ना इतनी पढ़ाई मिल चुकी है कि जो हमें पूरे 12-15 साल में नहीं मिली। सबको पता है कि हम ग्रेजुएट्स हो जाते हैं, 12th पास कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, फिर भी हम इतना नहीं पढ़ते एग्ज़ाम से 2 दिन पहले। पर हमें इस सिस्टम में क्या है, रोज़ पढ़ना है, वो चीज़ कुछ मजबूर करती है जो हमें, क्योंकि ना हमारे पास ना अब कोई ऑप्शन नहीं होता, अब हमारी लाइफ एज भी निकल रही है धीरे धीरे, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज़ हमें, या फिर इस सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें लाइक हम ये प्रेजेंटेशंस हो गई, क्लास टेस्ट हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें मजबूर करती है पढ़ने के लिए, और हमें बोलती है कि नहीं पढ़ेगा तो तू गया। और जो चीज़ है, ये सब चीज़ें ना पढ़ाई वढ़ाई भी अलग में आती है, बाकी जो आती है प्रैक्टिस इंटरव्यू, जो सबसे मेन है यहाँ का सिस्टम। प्रैक्टिस इंटरव्यू किस लिए कराए जाते हैं, क्योंकि आपका जो फाइनल इंटरव्यू है ना, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सके हो तो प्रैक्टिस इंटरव्यू का। कई बच्चे फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो गए, सेकंड में हो गए, थर्ड में हो गए, कई बच्चे मैनेजर्स में मिलने से पहले ही रिजेक्ट हो गए 5th राउंड के बाद ही। वो चीज़ ना दिल को बड़ी दर्द देती है। तो अगर वो फाइनल राउंड में ऐसा सीधा, एक बार आप सीधा फाइनल राउंड देने जाओगे, वो चीज़ आपको पहले ही फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो जाओगे, तुम तो तुम्हारे पास जो सब्जेक्ट नॉलेज रही, बात रही, वो तो दिखाने का मौका ही नहीं मिला तुम्हें। सही बात है ना, नहीं मिला ना। वही चीज़ जो है, पहले हमें धीरे धीरे स्टेप स्टेप करके आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रैक्टिस इंटरव्यू इसलिए होते हैं कि हम फाइनल इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, पूरे दिमाग में हमारी बातें आ जाए, सब कुछ जैसे हमने जो पढ़ा ना अब तक, जितना कॉन्फिडेंस बिल्ड करा इन 4 महीने में, वो एकदम से ऐसे करके निकाल दें, समझ के ऐसे। वो चीज़ ना इस जो सिस्टम है सर का, सर कहते हैं ना सुपर 30, ये सुपर 30 से बहुत सही है, वो इंजीनियरिंग का IIT का सुपर 30 है, और ये ट्रैवल एंड टूरिज्म का सुपर 30 है। सीरियसली आज मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इस सिस्टम में थोरो नॉलेज है एकदम, जिसे कहते हैं ना पकड़, वो चीज़ सब कुछ सिखाया है इसमें, सब कुछ, पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, सब कुछ, A to Z, सब्जेक्ट नॉलेज, तुम्हें अपना कैसे। और जब तक हमारे ना फील नहीं होगा अंदर से, दर्द नहीं होगा कि हमारे मार्क्स कटे हैं,
और एक बात और, जब प्रेजेंटेशन में कोई बंदा रह जाता था कुछ 2-3 मार्क्स से, और इसका जो क्राइटेरिया ना, इससे हमारे 12th बोर्ड्स में 33% पास होने का, इसका क्राइटेरिया 70% है। 70% से मार्क्स नीचे आए तो तुम गए, यही है ना। तो अगर पर्सनैलिटी प्रेजेंटेशन में भी अगर 70% से नीचे आए ना, तो तुम्हारे तो मार्क्स गए, वो तो उसमें 3% तो कटेंगे कटेंगे। अब तो सिस्टम चेंज हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा कटेंगे मार्क्स। तो फिर बात आती है, ये चीज़ बहुत मजबूर करती है हमें पढ़ने के लिए, कि हम पढ़ें और बाकियों से आगे बढ़ें। और कभी भी ज़िंदगी में मत सोचना कि तुमसे कोई बेहतर है। ये बाकी कहते हैं कि ये मत सोचना कि बाकी लोग आपको ये कहेंगे, कि ये मत सोचना आगे वाला कमज़ोर है, वो भी उसमें भी बहुत ताकत होती है, पर मैं कहूँगा कोई तुमसे बेहतर नहीं है। ठीक है, ये सिस्टम ने इतनी पावर दे दी है, मैं बोल सकता हूँ मुझसे कोई बेहतर नहीं है, और तो आप भी बोल सकते हो सारे कि कोई बेहतर नहीं है, कोई बढ़िया नहीं है। हमेशा ये बोलो, आई कैन डू इट, आई ऑलवेज कैन डू इट। थैंक यू सर।